बैक टू माई चैनल। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मजे में होंगे। तो जनाब, आज का जो व्लॉग है ना, काफी मजे का होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी जगह पे लेके जाऊंगी जहां पे आपको जाके बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए जी, जल्दी से आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अली, फ्रूट्स खा लो आके। कहीं भी जाने से पहले ना, मैं बच्चों को थोड़े फ्रूट्स वगैरह जरूर देती हूँ, ताकि थोड़ी देर के लिए इनका टमी फुल रहे और ये लोग मुझसे कोई जंक फूड वगैरह ना मांगे। तो बस ये लोग फ्रूट्स खाने के बाद रेडी हो गए थे और मैं तो पहले से ही रेडी थी, तो वेट कर रही थी मैं। मेरा एक पैकेज आना था जिसके लिए मुझे बहुत दिनों से इंतज़ार था, और अभी मुझे मैसेज रिसीव हुआ था कि वो डिलीवर हो जाएगा कुछ ही मिनट्स में। अभी ये डिलीवर हो गया था तो मैंने सोचा कि जाने से पहले आपको दिखा देती हूँ कि क्या चीज़ आई है। वैसे भी आपके इंटरेस्ट की चीज़ है, सभी लेडीज़ को जो है ना इसमें ज़रूर इंटरेस्ट होता है। तो टेडी ब्लेक से ये बैग चूज़ किया था मैंने, और इसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड थी। लास्ट टाइम भी जब मैंने चूज़ किया था ना, तो जब मैंने देखा उसको तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा था वो पिक्चर से, और इस बार भी ऐसा हुआ। जब मैंने इसे चूज़ किया था तो ये मुझे अच्छा लगा था, लेकिन जब मैंने इसको देखा, इसको हाथ में लेके फील किया, तो बहुत ही पसंद आया मुझे सच में। ये डिज़ाइनर बैग हैं और इनकी क्वालिटी तो अच्छी है ही, लेकिन इनके जो डिज़ाइंस हैं ना, वो भी मुझे बहुत पसंद हैं। टेडी ब्लेक का बैग जब आप पकड़ते हैं ना, तो आपको लग्जरी फील आती है, क्योंकि ये एक डिजाइनर बैग है, और अगर आप इसके प्राइस कंपेयर करें दूसरे डिजाइनर बैग से, तो ये बहुत अफोर्डेबल है। तो मुझे तो मेरा बैग मिल गया। अगर आप लोग अपने लिए एक प्यारा सा बैग लेना चाहते हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, अपने लिए आप ऑर्डर करें और इन्जॉय करें इनके खूबसूरत बैग, क्योंकि सारे ही बैग जो है ना इनके बहुत अच्छे हैं। आपको बहुत अच्छी कलेक्शन भी मिलेगी इनकी वेबसाइट पे, और डिजाइन, इनके कलर, इनकी क्वालिटी, हर चीज बहुत अच्छी है। आप सोच रहे होंगे कि ये डिज़ाइनर बैग है तो फिर इसकी प्राइस जो है ना, वो दूसरे ब्रांड्स की निस्बत कम क्यों है। तो यहाँ पे आप डिटेल्स देख सकते हैं, इसे आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा। और लास्ट टाइम जब मैंने यहाँ से बैग चूज़ किया था, तो वो छोटे साइज़ का था। अभी तक मैं उसे यूज़ कर रही हूँ, बहुत अच्छा है। मैं वैसे बहुत एहतियात से यूज़ करती हूँ, क्योंकि बहुत ही प्यारा लगता है मुझे, तो स्पेशल इवेंट पे ही मैं कभी यूज़ करती हूँ। और ये वाला बैग जो है, ये मैंने बड़े साइज़ का ऑर्डर किया था, और ये भी मुझे बहुत ही पसंद आया है। आजकल इनकी स्पेशल सेल चल रही है हैलोवीन के लिए, तो आपको अप टू 70% तक ऑफ मिल सकता है। लिंक जो है ना, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो चेकआउट करें और अपने लिए अच्छा सा बैग चूज करें, और फिर मुझे भी बताएं। चलो भी चलें। तो फाइनली सब लोग रेडी हो गए हैं और अब हम जा रहे हैं डाउनटाउन। तो चलें चलते हैं और साथ साथ टॉपिक को भी डिस्कस करते हैं। चलो पीछे बैठ जाओ, इसकी सीट बेल्ट लगाओ दी। डाउनटाउन हम कम ही जाते हैं, बहुत महीनों के बाद ही कभी जाना होता है। कोई स्पेशल इवेंट हो, जैसे अभी हैलोवीन चल रहा है, तो उसके लिए घरों को उन्होंने बहुत अच्छे से डेकोरेट किया हुआ है वहाँ पे, तो बस बच्चों को वही दिखाने जा रहे थे। बच्चे भी शौक से देख लेते हैं, और आई एम श्योर कि आपको भी बहुत अच्छे लगेंगे। अच्छा बताओ, डैडी की कार अच्छी है कि मामी की? किसकी अच्छी है? व्हिच वन यू लाइक अली? आप लोग कह रहे थे ना कि बच्चों का रिएक्शन भी शेयर करें कि उनको न्यू कार कैसी लगी है, तो माशाल्लाह से बहुत खुश हैं बच्चे, और जाहिर है न्यू कार उनको ज़्यादा अच्छी लगती है पुरानी से। आज मैंने फोरा चेंज वॉइस ओवर जो है ना, थोड़ा कम किया है वीडियो में, तो आई होप कि आप लोग एंजॉय करेंगे। अच्छा जी, अब हम टॉपिक के हवाले से बात करते हैं। तो अमेरिका के बारे में एक चीज़ बहुत फेमस है पूरी दुनिया में, और वो ये कि यहाँ पे पैसा बहुत है। लाइक बहुत से लोग यहाँ पे सिर्फ इसीलिए मूव करते हैं कि यहाँ पे आप ज़्यादा पैसा बनाते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। और सच बताऊँ तो ये बात बिल्कुल ठीक है, वाकई यहाँ पर पैसा बहुत है, यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। इट्स लाइक अ बिग स्काई, तो आपको चांसेस ज़्यादा मिलते हैं यहाँ पे कि आप अपने जो भी गोल्स हैं उनको जल्दी अचीव कर लें, लेकिन इस सब के पीछे स्ट्रगल, हार्डवर्क, वो सब चीज़ें भी होती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी अमेरिका आएगा तो उसकी किस्मत बदल जाएगी। यहाँ पे हर तरह के लोग हैं, हर क्लास के लोग हैं। इंसान चाहे कहीं भी हो पूरी दुनिया में, वो मेहनत करे, कोशिश करे, और अगर उसके लक उसका साथ दे, तो उसको वो सब कुछ मिल सकता है जिसकी वो ख्वाहिश करता है। लेकिन ऐसा जो कहा जाता है ना कि अमेरिका में तो बहुत बड़े बड़े घर होते हैं, बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, हर चीज़ जो है ना वो आपको बड़ी बड़ी मिलती है और अच्छी मिलती है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर हर तरह के लोग होते हैं, और डिपेंड करता है कि आप क्या अर्न करते हैं और आपका क्या लाइफ स्टाइल है।
ये जो बड़े बड़े घर आप देख रहे हैं ना, ये यहाँ का पोश एरिया है, तो इसलिए यहाँ पे सारे घर जो है ना वो एक से बढ़ के एक हैं। लेकिन यहाँ पे सब घर इस तरह के नहीं होते हैं, बल्कि कुछ लोग यहाँ पे रोड पे रहते हैं, फुटपाथ पे रहते हैं, मैं वो भी आपको दिखाती हूँ अभी। यहाँ ब्रिज के नीचे जितने भी छोटे छोटे से टेंट आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये सब होमलेस हैं, इनके पास अपना घर नहीं है, इनके पास ज़रूरत की चीज़ें नहीं हैं, तो ये इसी तरह से ही अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। बस यही रियलिटी मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि इंसान किसी फॉरेन कंट्री में चला जाएगा तो उसकी किस्मत बदल जाएगी और वो गरीब से अमीर हो जाएगा और उसका लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज हो जाएगा। यहाँ पे हर तरह के लोग हैं, डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अर्न करते हैं, किस तरह से अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए कोशिश करते हैं। अच्छा, बातें तो हमारी साथ साथ चलती रहेंगी, मैं आपको सिटी भी दिखाती हूँ। और मुझे इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है सिटी के बारे में, तो मेरे हस्बैंड बच्चों को बता रहे थे, मैंने वो भी कैप्चर कर लिया आपके लिए। ये लियोला कैंपस है, अगर आप अच्छे मार्क्स लेके आओगी, न्यूयॉर्क कैलिफोर्निया के बच्चे आते हैं। अच्छा। हाँ, क्योंकि 80,000 ईयर है बाबा के साथ। मुझे याद है। वो सामने लियोला लिखा हुआ है, उसके ऊपर आप बैठे हुए हो। अब मैं आपको एक भूत बंगला दिखाने लेके जा रही हूँ, और हर साल ये लोग इसी तरह से इसे डेकोरेट करते हैं और दूर दूर से लोग जो है ना इसे देखने आते हैं, यहाँ पे पिक्चर्स बनाते हैं, और आई एम श्योर आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। आज संडे था तो यहाँ पे इतना रश नहीं था, इसलिए हम लोग बच्चों को ये दिखाने के लिए लाए थे, वरना तो यहाँ पे इतना पैक होता है कि जगह ही नहीं मिलती है। जी बेटा। आप लोगों ने आज कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आपका फेवरेट पीस कौन सा था यहाँ पे। हम लोग अब जा रहे हैं एक और घर दिखाने बच्चों को, वो भी बहुत अच्छा डेकोरेट हुआ हुआ था, मुझे एक्चुअली वो ज़्यादा अच्छा लगा था इसे, तो चले मैं आपको दिखाती हूँ वो भी, और साथ साथ हम सिटी को भी एक्सप्लोर करते हैं। अच्छा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती, यहाँ डाउनटाउन में तो आपको फिर भी कुछ बसेस वगैरह नज़र आ रही होंगी, लेकिन अगर आप साइड पे चले जाओ तो वहाँ पे बहुत कम बसेस नज़र आती हैं और बहुत देर तक वेट करना होता है उनके लिए। तो शुक्र है अल्लाह का कि मैं तो जब आई थी मेरे हस्बैंड के पास अपनी कार भी थी और घर भी था रहने के लिए, तो मुझे तो कोई भी स्ट्रगल वगैरह नहीं करनी पड़ी। लेकिन जो भी लोग यहाँ पे मूव होते हैं ना, तो उनको एक लंबा टाइम लगता है ख़ुद को सेट करने के लिए। और यहाँ पे मोस्टली ऐसे ही होता है कि हस्बैंड और वाइफ दोनों मिलके काम करते हैं, कोई जॉब कोई बिजनेस दोनों को ही करना होता है, और फिर जाके उनका लाइफस्टाइल जो है ना थोड़ा अपग्रेड होता है। और कहते हैं ना कि वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा किसी को ना कभी मिला है और ना कभी मिलेगा, तो हर चीज़ टाइम के साथ ही होती है, आपको वेट करना होता है अपने टाइम को बदलने के लिए। बस हमें हर हाल में ना अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोगों के पास ऐसा बहुत कुछ होगा जो आपके पास नहीं है, और बहुत से लोगों के पास वो भी नहीं होगा जो आपके पास है। तो बस जो है आपके पास उस पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करें, और जो नहीं है उस पर भी शुक्र अदा करें। अब मैं आपको यहाँ पे फ्रेंच क्वार्टर्स दिखाती हूँ, जो कि यहाँ पे बहुत कदीमी है, जो टूरिस्ट आता है ना वो यहाँ पे ज़रूर आते हैं, इसे विज़िट करते हैं। तो अली जो है वो सो चुका है, वैसे तो घर में बिल्कुल भी नैप नहीं लेता, लेकिन कार में जब वो बैठता है ना तो अक्सर सो जाता है, और जब वो उठा तो उसको भूख भी लग रही थी, तो हमने जो है ना लंच बिल्कुल भी नहीं किया हुआ था, बस नाश्ता ही हमने लेट किया था, तो फिर हमने सोचा कि पिज़्ज़ा ले लेते हैं यहाँ से। उससे पहले बच्चों को ये घर भी दिखाना था, ये भी बहुत अच्छे से इन्होंने डेकोरेट किया हुआ था और मुझे ये बहुत अच्छा लगा था, तो बस चलते चलते ही हमने यहाँ पे देख लिया था इसको, नीचे उतर के नहीं गए क्योंकि बच्चों को ऑलरेडी बहुत भूख लग रही थी, तो उनका मूड नहीं हो रहा था कि वो जाके इसे एक्सप्लोर करें। यहाँ सिटी में ये मशरूम चीज़ पिज़्ज़ा जो है ना, ये हम सबका फेवरेट है, तो कभी महीनों के बाद जब हमारा आना होता है ना, तो फिर हम यहाँ से टेस्ट करते हैं ज़रूर।
वैसे यहाँ पे बाहर का खाना जो है ना वो अच्छा खासा एक्सपेंसिव होता है, लाइक कभी कभी तो आप खा लें ठीक है, लेकिन डेली बेसिस पे वैसे भी आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता और आप अफोर्ड भी नहीं कर सकते हैं। स्पेशली जो स्टूडेंट्स वगैरह यहाँ पे आते हैं ना तो उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। तो अगर आपका इस तरह का कोई प्लान है तो आप कुकिंग वगैरह जो है ना वो अच्छे से सीख के आएँ तो अच्छा होगा। इसके अलावा घर के काम वगैरह भी सभी आपको खुद ही देखने होते हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ पे कोई हेल्पर नहीं होती, होती हैं लेकिन इतनी एक्सपेंसिव होती हैं कि जो भी आप अर्न करेंगे ना वो सब वो ले जाएगी। तो इससे बेहतर है कि इंसान खुद ही जो है ना वो काम वगैरह कर ले, अच्छे से भी कर लेगा और एक्टिव भी रहेगा। तो आपको अंदाज़ा तो हो गया होगा मेरी वीडियोज़ देख के कि किस तरह की लाइफ यहाँ पर होती है। और वो सभी लड़कियां जिनको शौक होता है ना कि बाहर का कोई रिश्ता मिल जाए और हम बाहर मूव हो जाएं तो ज़रूर आएं, बहुत अच्छी लाइफ होती है यहाँ की, लेकिन अपने आप को प्रिपेयर करके आएं। जब आप अपनों के साथ होते हैं तो आपको कदर नहीं होती उनकी, लेकिन जब आप उनसे दूर हो जाते हैं ना तो फिर आपको अंदाज़ा होता है कि वो आपके लिए कितने अहम हैं और आप कितना ज़्यादा मिस करते हैं उनको। ये कनाल है, ये सामने सारा फ्रेंच क्वार्टर है, ये सब टूरिस्ट, ये जो लोग घूम रहे हैं ना ये दूसरी स्टेटों से आए हुए हैं, कोई कहाँ से आया है कोई कहाँ से आया है। जरा इमेजिन करो 300-400 years पहले जो लोग रहते थे, एक एक हाउस के कितने कितने ओनर बदले, 4 and 5 यू नो, हाँ एटलीस्ट, मतलब हर जनरेशन में एक ओनर था इस घर का। और आज मैं यहाँ घूम रहा हूँ, आप घूम रहे हो, और अगले आफ्टर 100 years फिर यहाँ से लोग गुजरेंगे और ऐसे ही होगा जैसे हम यहाँ से गुजर रहे हैं ना, ऐसे 300-400 years पहले भी यहाँ से लोग गुजरते थे। ये मेरे ख्याल से यहाँ क्वीन रहती थी, ये उसका घर है, रेनोवेट हो रहा है। हाँ अमान जी पढ़ना जरा, ये जो है ना ये हाउस जो है ना ये लिखा हुआ है इधर, अमान जी पढ़ो क्या लिखा हुआ है, 1967। यहाँ पे आर्ट गैलरीज हैं, वो देखो आयतल पेंटिंग चेक कर, देखा ये आर्ट गैलरीज में जाएगी ना ये सारी पेंटिंग्स बनी हुई है। स्पोर्ट्स कार देखिए, ये बर्बन है। अच्छा ये बर्बन, हाँ बर्बन स्ट्रीट जो है ना वो यहाँ की बहुत ज़्यादा फेमस है और मोस्टली जो टूरिस्ट आता है ना यहाँ पे ये उनकी मेन अट्रैक्शन है। तो हमारे काम की ये जगह नहीं है तो हम यहाँ से बस दूर दूर से ही गुजरते हैं, क्योंकि इनके इंटरेस्ट की चीज़ें हमारे इंटरेस्ट से बहुत डिफरेंट होती हैं, इनका लाइफ स्टाइल बहुत डिफरेंट होता है। वैसे बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ पे, वेलकमिंग हैं और आपको अच्छे से जो है ना वो डील करते हैं, बिल्कुल भी फील नहीं कराते कि आप कहीं और से आए हुए हैं यहाँ पे। बहुत कम लोग होते हैं, हर तरह के लोग हर जगह पे होते हैं, तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे रेसिस प्रॉब्लम नहीं है, वो इशू भी है, लेकिन अगर आप मोस्टली लोगों की बात करें तो बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ के। तो ये था जी आज का व्लॉग, आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक कर दें ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको इस तरह की वीडियोस अच्छी लगती हैं। और बाकी आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़। वो जा रही है स्पाइडर की तरह होती है।